मैच द फॉलोइंग, तो इनमें से जो ऑलरेडी पता है वो देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, वैल्यू ऑफ वैल्यूज फोर अपॉन एन शेल, ये सही है। देखो, शेल के यस एल एम एन ओ, ऐसे होते हैं ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है इनके लिए, 1, 2, 3, 4। तो जो एन है उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू तो 4 है, ये तो बात सही है, मैच कर गया। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है, एन तो कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ रिलेटेड नहीं है, इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो ये है शाई स्क्वायर, तो एन तो नहीं करेगा। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, सही है, बात है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, सही बात है, 1, 2, 3, 4 ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एग्जिबिट्स बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ, नहीं है तो कोई बात नहीं है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। तो फोर्थ का क्या आ गया, ए और सी आ गया। ओके, नाउ शाई स्क्वायर, व्हाट इज शाई स्क्वायर? शाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट अ पॉइंट, ठीक है ना। तो ये समझते हैं पहले शाई स्क्वायर है क्या, शाई क्या है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन। व्हाट इज शाई? ऑर्बिटल वेव फंक्शन, किसका ऑर्बिटल वेव फंक्शन? इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव ना, तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है ये। ये कहाँ से आता है? श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी है, उसको जब सॉल्व करते हैं तो शाई की वैल्यू आती है। शाई की वैल्यू का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ठीक है, शाई स्क्वायर का लेकिन होता है, शाई स्क्वायर का होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन शाई स्क्वायर एट दैट पॉइंट। शाई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। शाई स्क्वायर क्या है? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, और हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ शाई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट्स विद इन एन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। तो जहां पे शाई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बस सिंपल बात है। तो आप पता कर सकते हो कि यहाँ यहाँ शाई स्क्वायर ज्यादा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी वहां होने की ज्यादा है। तो इन शॉर्ट, शाई स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट ए पॉइंट, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो जीरो होगा या कुछ होगा, नेगेटिव कैसे हो सकता है, ठीक। तो शाई स्क्वायर क्या है? इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड का आ गया बी और सी। नाउ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या मैच करेगा? हाँ, एग्जिबिट्स बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ, ये तो डी ब्रॉगली ने कहा था ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका वेवलेंथ भी होता है, वो पार्टिकल तो होती है, मोमेंटम भी होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, लैम्डा है वेवलेंथ, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ पार्टिकल, वी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन का डी आ जाएगा, बाकी तो कुछ नहीं आएगा। ऑलवेज पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये तो इलेक्ट्रॉन के साथ मैच नहीं होता, इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन। फोटोन, फोटोन भी ना मोमेंटम और वेवलेंथ दोनों एग्जिबिट करेगा। ये देखो क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्स पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या प्रूव होता है कि लाइट को जो कि हम वेव मानते थे, लाइट को हम पहले वेव मानते थे ना, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या पता चला कि लाइट जो एब्जॉर्ब होती है, लाइट एब्जॉर्ब होती है किसकी फॉर्म में? फोटॉन्स की फॉर्म में, पार्टिकल्स की फॉर्म में। तो इससे ये पता चल गया कि लाइट सिर्फ वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल भी है। हेंस लाइट विच इज कंसिडर्ड एज वेव इन क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुराने फिजिक्स, पुराने जो सोच था कि वो वेव है, तो उससे ये पता चल गया कि उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है। अब अगर पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब क्या? पार्टिकल मतलब जिसका मोमेंटम हो, पार्टिकल मतलब जिसका मोमेंटम होता है। तो जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट है ना वो फोटोन पे भी लगता है। डी ब्रॉगली क्या कहते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एम वी क्या है, मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, लैम्डा इज एच बाय पी,
तो पी क्या हो जाएगा, एच बाय लैमडा, पी एच बाय लैमडा हो जाएगा ना। तो जो फोटोन का मोमेंटम है पता है किसके इक्वल, एच बाय लैमडा। लैमडा क्या है, वेवलेंथ, एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, पी है मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो फोटोन भी एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है जिसका मोमेंटम किसके इक्वल है, एच बाय लैम्डा। ओके, तो एग्जिबिट बोथ मोमेंटम एंड वेवलेंथ, ठीक है।